तो दोस्तों, आप एक स्मार्टफोन खरीदना चाहती हो 20,000 के अंडर, यानी कि आपका बजट 20,000 है, तो आप एक बेस्ट स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना, क्योंकि फिर इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा ऐसा कुछ स्मार्टफोन के बारे में जिसका प्राइस रेंज होगी 20,000 के अंदर, यानी कि 20,000 के अंदर आपको बेस्ट स्मार्टफोन मिलेगा इस वीडियो पे। तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना फ्रेंड। इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप कैमरा सेटअप यानी कि कैमरा क्वालिटी, कैमरा के लिए एक स्मार्टफोन लेना चाहते हो 20,000 के अंदर तो भी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी, और आप एक गेमिंग के लिए एक स्मार्टफोन अच्छा सा एक स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी। तो इसलिए फिर वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं हूं प्रश्न, आप देख रहे हैं टेक्निकल प्रश्न यूट्यूब चैनल, एंड टेक्निकल प्रश्न यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए, और मेरा चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए जान लेते हैं नंबर नाइन पर आती है ओप्पो K3। इसका डिस्प्ले साइज फ्रेंड 6.53 इंची, प्रोसेसर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 710, रैम 6 GB, स्टोरेज 64 GB, बैटरी कैपेसिटी 3765 mAh बैटरी, 16 MP प्लस 2 MP डबल रियर कैमरा, फ्रंट कैमरा मिलेगा आपको 16 MP। इसके बात करूँ तो फ्रेंड ओप्पो K3 का बात करूँ तो फ्रेंड आप गेमिंग के लिए लेना चाहते हो तो अच्छा है, लेकिन कैमरा क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है। तो नंबर 8 पे जो स्मार्टफोन आती है फ्रेंड बहुत 710 SoC यानी कि स्नैपड्रैगन 710 के अंदर आपको मिल जाएगी, एंड इसका नाम है फ्रेंड ओप्पो K3 का तो बात किया था, लेकिन नंबर 8 पे आती है सैमसंग गैलेक्सी M40। स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो फ्रेंड डिस्प्ले 6.30 इंची, प्रोसेसर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 675, रैम 6 GB, स्टोरेज 128 GB, बैटरी कैपेसिटी 3500 mAh के बैटरी, ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप 32 MP प्लस 5 MP प्लस 8 MP अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ, एंड 16 MP फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा गैलेक्सी M40 के अंदर आपको। ये भी गेमिंग के लिए अच्छा है, अच्छे प्रोसेसर के साथ आपको मिलेगा। और कैमरा सेटअप की बात करूँ तो फ्रेंड कैमरा ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन मिड रेंज यानी कि जो कैमरा क्वालिटी है मीडियम क्वालिटी के अंदर आपको मिल जाएगा गैलेक्सी M40। और अगर नंबर 7 की बात करूँ तो फिर आपको मिल जाएगी बहुत सारे स्मार्टफोन के अंदर आपको मिलेगा सैमसंग गैलेक्सी M15s, यानी कि इसका बजट है 17,499 रुपीज़, डिस्प्ले 6.40 इंची, सैमसंग गैलेक्सी एक्सिनियन 9611, रैम 4 GB, 128 GB इंटरनल मेमोरी के साथ, 4000 mAh के बैटरी, 14 MP प्लस 5 MP प्लस 8 MP ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, एंड 32 MP कैमरा। कैमरा क्वालिटी की ओवरऑल कैमरा की बात करूँ तो कैमरा बहुत ही अच्छा है, और गेमिंग के लिए इतना अच्छा नहीं है गैलेक्सी M15s। इसका प्राइस है फ्रेंड 17,499 रुपीज़। और उसके बाद जो नंबर पे आती है 6 नंबर पे आती है, उसका प्राइस रेंज है फ्रेंड सैमसंग गैलेक्सी A15s की बात तो किया था, लेकिन अभी जो बात करूँगा वीवो Z1X नंबर 7 पर। वीवो Z1X स्पेसिफिकेशन डिस्प्ले 6.38 इंची, एंड क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 712, 4 GB रैम, 128 GB, 4500 mAh की बैटरी के साथ, 14 MP 8 MP प्लस 2 MP प्लस 32 MP कैमरा आपको देखने को मिलेगा इस स्मार्टफोन के अंदर। और नंबर 6 पर आती है फ्रेंड रियलमी X2 स्पेसिफिकेशन, डिस्प्ले 6.40 इंची, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 713G, एंड 4 GB रैम, 64 GB, 4000 mAh बैटरी के साथ, 64 MP प्लस 8 MP प्लस 2 MP प्लस 32 फ्रंट कैमरा। रियलमी X2 इसका बजट रेफरेंस 16,995 रुपीज़। और गेमिंग के लिए तो बहुत ही अच्छा है फ्रेंड, कैमरा की बात करूँ तो ओवरऑल कैमरा बहुत ही अच्छा है। आप स्मार्टफोन लेना चाहते हो रियलमी X2 को ले सकते हो, क्योंकि इसमें आपको गेमिंग प्रोसेसर और कैमरा सेटअप कैमरा भी बढ़िया मिलेगी आपको। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा रियलमी X2 ज़रूर ले सकते हो आप। और उसके बाद जिस स्मार्टफोन की बात करूँगा आपके सामने, उसका प्राइस होगी बहुत ही सस्ता 16,999 रुपीज़, पोको X2, डिस्प्ले 6.67 इंची, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 713G, 6 GB रैम, 64 GB, 4500 mAh की बैटरी, 64 MP प्लस 2 MP प्लस 8 MP प्लस 2 MP, डबल फ्रंट कैमरा 20 MP प्लस 2 MP। पोको X2 एक बढ़िया स्मार्टफोन है आपके लिए, तो एक नंबर वन मैं आपको बताना चाहूँगी आपके लिए जो स्मार्टफोन रिकमेंड करूँगा आपको 20,000 के अंदर।
आपके पास बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन उस ऑप्शन से आप पोको एक्स टू ऑप्शन को जरूर चॉइस करना, जरूर सेलेक्ट करना, क्योंकि इसमें आपको गेमिंग प्रोसेसर, रैम एंड ओवरऑल कैमरा क्वालिटी की बात करो तो फ्रेंड बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग वाला फीचर्स आपको कैमरा फीचर्स देखने को मिलेगा। 16,900 यानी कि 17,000 के अंदर आपको इतने ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर एंड इतना अच्छा फीचर्स वाला कैमरा देखने को मिलेगा। कैमरा क्वालिटी की बात करूँ तो ओवरऑल 4 कैमरा देखने को मिलेगा, रियर पे, डाउल, फ्रंट कैमरा के साथ आपको जबरदस्त फीचर्स के साथ आपको मिलेगा पोको X2 गेमिंग परफॉर्मेंस 713G प्रोसेसर के साथ आपको 6GB 64GB इंटरनल मेमोरी के 4500mAh की बैटरी के साथ। दोस्तों आप पोको X2 को जरूर बाय करना, क्योंकि 16,000 बजट इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको रिकमेंड करूँगा पोको X2 आप जरूर ले सकते हो गेमिंग के लिए और कैमरा के लिए, दोनों ही आपके लिए परफेक्ट है। दोनों प्रोसेसर, दोनों परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा आपको देंगे। तो इसके बाद बात करूँगा फिर जो स्मार्टफोन के बारे में, Realme 6 Pro। इसका रैम है 6GB 64GB इंटरनल मेमोरी के 4300mAh बैटरी के साथ आपको 6.60 इंच डिस्प्ले, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7020G आपको देखने को मिलेगा। चार कैमरे इसमें, चार कैमरा देखने को मिलेगा, 64MP 8MP प्लस 12MP 2MP 16MP प्लस 8MP। तो आपके लिए बेस्ट Realme 6 Pro आप ले सकते हो, क्योंकि इसमें गेमिंग परफॉर्मेंस एंड जो कैमरा क्वालिटी है दोनों ही आपको ज़्यादा मिलेगी एंड बहुत एक्साइटिंग वाला फीचर्स वाला स्मार्टफोन आपको मिलेगा Realme 6 Pro स्मार्टफोन के अंदर। बजट के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है ये, लेकिन पोको X2 की बात किया था, लेकिन उसका बजट थोड़ा कम है और इसका बजट थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए मैं आपको नंबर 1 पे रखती हूँ पोको X2 अभी तक। तो इसके बाद बात करूँगा जो स्मार्टफोन के बारे में, फ्रेंड आपको रिकमेंड करूँगा आप पोको X2 स्मार्टफोन को ले सकते हो, क्योंकि इसमें 6GB रैम एंड 713G प्रोसेसर देखने आपको मिलेगा और कैमरा क्वालिटी आपको 4 कैमरा रियर पे, डाउल फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। ओवरऑल बात करूँगा तो फ्रेंड गेमिंग एंड आपको दोनों चाहिए, गेमिंग एंड कैमरा दोनों चाहिए तो आप पोको X2 स्मार्टफोन को खरीद सकते हो। मैं आपको ये भी रिकमेंड करूँगा आप पोको X2 स्मार्टफोन को खरीद सकते हो, क्योंकि इसका बजट है 16,999 रुपीज़। और जिसका जो स्मार्टफोन की बात किया था Realme 6 Pro, इसका भी दोनों परफॉर्मेंस दोनों साइड से बात करूँ तो फिर गेमिंग एंड कैमरा दोनों ही क्वालिटी बेटर है एंड, लेकिन इसका बजट थोड़ा ज़्यादा है और इसका बजट थोड़ा कम है, तो इसलिए फिर मैं आपको रिकमेंड करूँ पोको X2 स्मार्टफोन को आप खरीद सकते हो। और मेरा जो पर्सनल जो रिकमेंड है वो भी पोको X2 के साथ रहती है। तो फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए, और मेरा चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए।